IVM. नमस्कार, स्वागत है आपका इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के एक नए आयाम और एक नए एपिसोड पर। दोस्तों, इक्का दुक्का इकोनॉमी में हम दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों को, आर्थिक डेवलपमेंट्स को और कुछ विशेष बड़े डेवलपमेंट्स को जोड़ते हैं आपकी जेब से, आपकी तनख्वाह से और आपकी आने वाली ग्रोथ और सैलरी से। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो GDP हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, या फिर वो चाहे आज का मुद्दा हो। क्या है आज का मुद्दा? टैक्सेशन। टैक्स एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब ने जिंदगी में टैक्स बचाने की और टैक्स कम से कम देने की सरकार को कोशिश करी है, पर क्या आप जानते हैं टैक्स आपकी सरकार का हक होता है और हमारा देश दुनिया भर में कम टैक्सेस चार्ज करने वाले देशों में से एक है। पर इसके पीछे एक डार्क साइड भी है, एक ग्रे साइड भी है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी ने 1984 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे हम JNU के नाम से भी जानते हैं, अरुण कुमार जी ने JNU सन 1984 में ज्वाइन किया था और वहां से वो रिटायर हुए 2015 में। 31 साल तक JNU में रहे अरुण कुमार जी। ही इज करेंटली द मैल्कम अधिशेषा चेयर प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अरुण कुमार जी प्रेसिडेंट रह चुके हैं JNU टीचर्स एसोसिएशन के और 2014 के बाद ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडियन एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के। अगर पढ़ाई की बात करूं तो अरुण जी PhD हैं इकोनॉमिक्स में, मास्टर्स हैं फिजिक्स में फ्रॉम बोथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA एंड द दिल्ली यूनिवर्सिटी। टैक्स दो तरह के होते हैं हमारे देश में। इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो हम एंड कंज्यूमर के तौर पे देते हैं, जैसे GST हो गया, पेट्रोल और डीजल पे जो हम टैक्स देते हैं, हमने कुछ सामान खरीदा या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बुलाते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि हम अपनी तनख्वाह से डायरेक्टली देते हैं या फिर कंपनी अपनी रेवेन्यू से डायरेक्टली देती है। तो इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा दोस्तों। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो हमारी सैलरी से, हमारी कंपनी के रेवेन्यू से सीधा जाता है गवर्नमेंट को, जिसको हम स्विच नहीं कर सकते, किसी और के ऊपर डाल नहीं सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST, या फिर जो हमारे कंजम्पशन के ऊपर हम देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या फिर कोई सामान खरीदना हो। तो अरुण जी शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। एक मिडिल क्लास इनकम के आदमी के लिए किस तरह की टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसको एक्स्ट्रा बर्डन ना हो और वो टैक्स खुशी खुशी दे? क्योंकि बहुत बड़ा कारण जो टैक्स सिस्टम से दूर भागने का, और मिडिल क्लास की हमेशा शिकायत रहती है अरुण जी, कि जितने भी खर्चे होते हैं सरकार के वो मिडिल क्लास से निकाले जाते हैं। ये गलत धारणा है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स है उसका बड़ा कॉम्पोनेंट तो कॉर्पोरेट टैक्स ही आता है, जो कि बिजनेस पे है। और इनकम टैक्स भी है, उसका महज 20-25% सैलरीड एम्प्लॉय का होता है, बाकी सारा बिजनेस पे होता है, फॉर्म्स वगैरह पे होता है। तो ये असल में होता क्या है कि हमारे यहाँ एक लैक ऑफ सोशल जस्टिस है। हमको सबको लगता है कि बिजनेसमैन तो बच के निकल जाता है, वो तो अपने खर्चे ज्यादा दिखा देगा, पैसा निकाल लेगा वगैरह वगैरह, जबकि मिडिल क्लास जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसको लगता है कि मैं तो जो मिल रहा है उस पर पूरा टैक्स दे रहा हूँ। पर हमारे यहाँ टैक्स रेट बहुत कम है एक्चुअली, और ये जो एक सोशल जस्टिस का लैक है उसमें ये लगता है आदमी को कि जितना मैं दे रहा हूँ पैसा उसका मुझे पूरा फायदा नहीं मिल रहा। तो जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 60-70-80% का टैक्स रेट होता है, लेकिन वहां पे जो व्यक्ति है वो कहता है कि भाई मुझे मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिल रही है, मुझे स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध है, मेरे ट्रैवल का अच्छा प्रबंध है, तो मैं टैक्स दे रहा हूँ उससे मुझे वापस मिल रहा है। हमारे यहाँ सबको लगता है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ लेकिन हमें वापस कुछ नहीं मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है वो बहुत ही खराब है। तो वो सोशल जस्टिस का लैक है। तो एक्चुअल में मिडिल क्लास पे डायरेक्ट टैक्स इतना नहीं है जितना इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स तो जैसे आपने कपड़ा खरीद लिया, जूता खरीद लिया, कटोरी खरीद ली, उस पे है टैक्स, वो दिखता नहीं है। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स कम है। हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो तो फिर ये समस्या कम हो जाएगी। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है, मतलब कि अगर आपने 1 किलो नमक खरीदा तो
तो आप भी एक किलो खाएंगे, धीरू भाई अंबानी भी एक किलो खाएंगे, वो तो ऐसा नहीं कि वो क्योंकि आपसे हजार गुने ज्यादा है तो हजार किलो खा लेंगे, है ना, तो खाएंगे तो उनके ऊपर जो नमक पे जो टैक्स है उसका परसेंटेज बहुत कम है, आपके ऊपर ज्यादा परसेंटेज है, तो रिग्रेसिव हो गया। और फिर वो कारें खरीदेंगे, हवाई जहाज खरीदेंगे जिन पे वो टैक्स देंगे, पर आप तो ना हवाई जहाज खरीदेंगे ना आप जब मेबैक की वो कार खरीदेंगे, तो इसलिए जो कंजम्पशन बास्केट है वो भी अलग है। तो इसलिए जो होता है क्या है कि हमको ये एक सेंस ऑफ इनजस्टिस लगता है समाज में कि हम लोग तो दे रहे हैं टैक्स मिडिल क्लास वाले और ये लोग टैक्स से बच जा रहे हैं, इसलिए ये एक परेशानी का रहता है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे देश में हमें इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देना चाहिए और डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो सिर्फ अमीर पे लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स गरीब पे भी लगेगा, जो हमारे टैक्स नेट में नहीं भी है डायरेक्ट टैक्स के नेट में, उसमें भी वो अपने बच्चे के लिए कोई स्कूल बैग खरीदेगा, एक चप्पल खरीद लेगा, एक कपड़ा खरीद लेगा, उसमें भी उसका टैक्स लग जाएगा। अरुण साहब, अगर हम जैसे कुछ कनाडा जैसे देश है, ठीक है, वो उनके यहाँ जो टैक्स सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, हालांकि जैसे आपने बोला स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहां पे पब्लिक सर्विसेज जो है वो जनता को वहां पे मुफ्त में दी जाती हैं और वो पैसा भी सरकार अपनी जनता से ही वसूलती है। पर हमारे यहाँ देश में सब्सिडी नाम का एक और एक ट्रेंड है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। अब पुरानी सरकारों ने जो हमेशा सरकार का जस्टिफिकेशन होता है कि पेट्रोल और डीजल के नाम पे बहुत सब्सिडी दी और इसलिए पेट्रोल डीजल एक सस्ते दाम पर जनता को उपलब्ध मुहैया कराया गया। अब ये सरकार कहती है कि सब्सिडी को ऑफसेट करने के लिए हम अपनी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब महंगाई बढ़ती है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन टैक्स सरकार कम नहीं कर रही है पेट्रोल डीजल में, क्या इस तरह की कोई टैक्स पॉलिसी आ सकती है कि मिडिल क्लास के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना आए? क्योंकि अक्सर होता है कि इस तरह के समय में जब महंगाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लोग अपनी गाड़ियां निकालना बंद कर देते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल इतने ऊंचे पहुंच चुके हैं। इसमें कोई सुधार हो सकता है ताकि मिडिल क्लास और स्पेशली जो वर्किंग क्लास है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए? यही तो सारा कंफ्यूजन सरकारें क्रिएट करती है ना। वो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आपने पेट्रोल डीजल का बताया, तो एक बेसिक चीज है। जब बेसिक चीज के आप दाम बढ़ा देंगे तो सब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। तो जैसे स्टील है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, हमने इन सब चीजों पे बहुत टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। उससे फिर इन्फ्लेशन हो जाता है, उससे फिर जो मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है, उसकी जेब पे डाका पड़ता है। और जो सब्सिडी क्या है, सब्सिडी इज कॉल्ड नेगेटिव इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जब दाम बढ़ जाते हैं तो आपको जो गरीब आदमी को सपोर्ट देने के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है। अगर आपके इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाएंगे, दाम कम हो जाएंगे, तो सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सब्सिडी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई इनडायरेक्ट टैक्स एंड लैक ऑफ इनकम। जैसे किसान है, उसकी आमदनी कम है, तो आपको किसान को फिर पैसा देना पड़ेगा। अगर जो आपका जो गरीब आदमी है उसके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, तो आपको उसको खाना पीना देना पड़ेगा। अरुण जी, चलिए, नीतियां तो सरकारें सुधारेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग सुधारेंगे, वो उनका काम है, हम उस पर भी बात नहीं करेंगे। हम अगर आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कई ऐसे लोग होते हैं, धारणा होती है कि टैक्स की चोरी जो है वो सही है, और हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं, मेरी उम्र के कई सारे लोग हैं, मुझसे थोड़े छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, और मतलब आप तो काफ़ी तजुर्बेकार आदमी है, मैं अपनी उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ जो आमतौर पर अभी इन्होंने नया नया कमाना शुरू किया है, वो अपने टैक्स चोरी के माध्यम ढूंढने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। पर मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में टैक्स की चोरी करते हैं या फिर सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, सरकार जब सब्सिडी लगाती है या फिर सेस लगाती है, क्योंकि सरकार को पूर्ण मात्रा में टैक्स नहीं मिला है, उनकी आमदनी नहीं हुई, तो वो मार्केट से पैसा उठाते हैं या फिर बैंक से पैसा उठाते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है हमारे फिस्कल डेफिसिट पे, जो घूम फिर के बाद में हमारी जेब से निकाला जाता है और टैक्सेस के माध्यम से। तो ये जो विशेष साइकिल है, ये कितनी हार्मफुल होती है मिडिल क्लास के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो टैक्स की चोरी शॉर्ट टर्म में कर तो लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में दे माइट एंड अप पेइंग मोर। जो हमारा डेफिसिट है वो क्या होता है? डेफिसिट का मतलब है कि जितना हमारा खर्चा है उससे कम आमदनी है, तो डेफिसिट हो गया। डेफिसिट को हम फिर बोरो करते हैं मार्केट से, है ना, वो चाहे बैंक दे या चाहे मार्केट में कहीं जो बॉन्ड फ्लोट करके हम ले लें, तो वो जो है उस पर फिर हमें ब्याज देना पड़ता है। अब ब्याज देते हैं तो फिर वो बजट से जाता है, तो जो हमारे पास पैसा है डेवलपमेंट के लिए वो उतना कम हो जाता है।
तो इसलिए ये मैंने जैसे कहा कि अगर हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सही हो जाए 24% अतिरिक्त आ जाए तो हमारा जो आज डेफिसिट है 11-12% का वो सरप्लस में हो जाएगा 11-12%। फिर हमें वो बोरो नहीं करना पड़ेगा, फिर हमारा इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा और ये जो पैसा आएगा वो फिर हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, सब में लगा सकते हैं। तो सबसे अहम जो समस्या है वो काले धन की अर्थव्यवस्था है, उसी की वजह से सारा का सारा टैक्सेशन सिस्टम चरमरा गया है, उसी की वजह से टैक्स की कमी है, जो आपने कहा कि टैक्स की कमी है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट हम कंट्रोल कर लेंगे डायरेक्ट टैक्स बढ़ा के, तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी, वो सारी जड़ से खत्म होगी। तो डायरेक्ट टैक्सेस को हम जितना ज्यादा प्रबल बनाएंगे, जितना ज्यादा ताकतवर बनाएंगे उस देश में, उतनी ही ज्यादा टैक्सेशन पॉलिसीज आसान होंगी, उतना ही ज्यादा मिडिल क्लास पनपेगा, उतना ही ज्यादा टैक्सेशन का बोझ मिडिल क्लास के ऊपर कम से कम पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें कम करना है और डायरेक्ट टैक्सेस को हमें बढ़ाना है। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए और टैक्सेशन पॉलिसी और टैक्सेशन के प्रभाव हमको सरल भाषा में समझाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, इक्का दुक्का इकॉनमी पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रेट ज़रूर करें। अगर आपका कोई मित्र है जिसे टैक्सेशन के बारे में नए आयाम जानने हैं या फिर वो जानना चाहता है कि टैक्सेशन कैसे और सरल बनाया जा सकता है इस देश का, तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट उस तक पहुँचाएँ। अगले एपिसोड पर इक्का दुक्का इकॉनमी पॉडकास्ट के हम इकॉनमी के एक नए आयाम को जोड़ेंगे आपके जेब से। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए और शब्ब खैर। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of, like, maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello, 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 everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. This World Yoga Day, Ashton is joined by global yoga icon and lifestyle influencer Sunaina Reiki. They talk about how one can take care of themselves using yoga. Catch this only on The Habit Coach. On the Filter Coffee Podcast, Karthik speaks to author Vineet Karnik on the business of sports. On Smarter with Sid, Siddharth explains how the human library in Denmark works. On Marathi Kirkitan, the Deshmukh share unique incidents they came across while reading. And on Ek Chuski Finance, Priyanka teaches us how to write a will. Just a reminder to everybody, the IVM merchandise is now available. You can go to the IVM Podcast website and click on the shop tab. Check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And I'd like to remind you all that it is really, really helpful for us when you do recommend this show or any of our other shows to a friend. Word of mouth is great for us, and it's really a great way for us to grow our audience and have more people for you to discuss your podcast consumptions with. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening on, and you can also check us out on YouTube at ivmpodcast.com/YouTube. We have a list of the YouTube channels we are on. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Capgemini, Intel vPro, and Intel Future But Now Wonderful. Thank you so much for making this possible.